आज हम बात करेंगे डकवीट के बारे में। डकवीट से मुर्गियां बड़े ही चाव से खाती हैं डकवीट को। इससे हम अपने मुर्गियों का जो फीड का खर्चा है 70% तक कम कर सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशन होती है डकवीट के अंदर। 4 किलो का पैकेट बहुत जल्दी ही बहुत बड़े पाउंड के अंदर ग्रोथ कर लेता है। मतलब बड़ा फैलाव बहुत जल्दी होता है डकवीट का, बढ़ाव बहुत होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है डकवीट की। तो मुर्गियां बड़े ही चाव से खाती हैं हम जो देसी फार्मिंग फ्री रेंज में करते हैं, तो हमारी फीड का जो खर्चा है वो बच जाता है और अजोला से बेटर है। अजोला से ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो इसमें प्रोटीन की मात्रा अजोला से बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट फीड से भी बहुत सस्ता पड़ता है, फ्री के भाव में आता है। हमें सारी ही मुर्गियों को हम डाल सकते हैं, बॉयलर को भी डाल सकते हैं, देसी को भी डाल सकते हैं, घर में किसी भी बकरी है भैंस को किसी को भी डाल सकते हैं। छोटा सा एक हमने पाउंड बनाना है, उसके अंदर हमने डकवीट को डाल देना है। मात्र 5-10 दिन में ही ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अब भेजने का आपको क्या तरीका है, हम 400 रुपये में ओनली डिलीवरी चार्ज लेते हैं, 400 रुपये 4 किलो का पैकेट आपको भेजेंगे। ये 4 किलो का पैकेट मात्र 10 दिन के अंदर ही आपके बहुत एरिए में ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। पहले गर्मी ज़्यादा थी, या डकवाइड ये एक मीठे पानी की वनस्पति है जिसे आपने कई बार अपने आसपास देखा भी होगा, जो कि बारिश के ठहरे हुए पानी या तालाबों के ऊपर एक हरे रंग की चादर सी बिछी होती है। ये बहुत छोटे छोटे से पौधों के रूप में दिखाई देती है। डकवीड को बे रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग सभी देशों में पाई जाती है सिवाय रेगिस्तानी व बर्फीले क्षेत्रों को छोड़कर। एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली वनस्पति है। पर्यावरणीय स्थिति के हिसाब से 16 से 48 घंटों में ही इसकी बढ़वार दोगुनी हो जाती है। पानी पर इसका फैलाव दिनों दिन घना होता जाता है। ये अधिकतम तत्वों की बात करें तो डकवीड में 35-45% प्रोटीन, 5-15% रेशा, 5% पॉली अनसेचुरेटेड वसा, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। हाई प्रोटीन होने के चलते कुछ क्षेत्रों में डकवीड को वेज मीट बॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या उपयोग हैं ये भी देख लीजिए। पशु चारे के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से देशों में इसे बत्तख, सुअर, मुर्गी, मवेशी, भेड़, बकरी, खरगोश और मछलियों को खिलाया जाता है। मछलियों की कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से इसी पर पल सकती हैं, उन्हें अलग से चारा देने की आवश्यकता ही नहीं है। बत्तख इसे ताजा खाना पसंद करती हैं। मुर्गी, मवेशी, भेड़, बकरी व खरगोश आदि को ये ताजी या सुखाकर हरे चारे के रूप में दी जाती है।